नहीं है भाई साहब। अरे जब हमने पिछले बार देखा ना जो आत्मघोर हो गया था, वो आदमी के पीछे भागा, जब जान जैसे बताई उन्हें, पूरी टीम आई, जब उसको गोली से मारी। हमारे क्लब के बगल में बता रहा हूँ कहाँ पर मारा, वो चट्टान दिख रही हो वहाँ से नीचे फेंका, दो ऊपर चट्टान दिख रही, वो पानी का स्रोत है, वहाँ से नीचे फेंक दिया इंसान को, औरत को ना। हाँ फिर औरत को मारा था। हाँ जो औरत को मारा था। वो है वो कितना एकदम तो भाई साहब रास्ता कितना ही खतरनाक एडवेंचर हो गया भाई। क्या कह रहे हो? बाकी तो रेडी में होती हूँ पक्का 100%। नहीं तो गया उसके बाद करो यहाँ पे क्या बात करो। फिर आपको देखा उस टाइम? तो जी और अभी हम बात कर रहे हैं खटीमा में टाइगर अटैक की। तो सुबह की बात है, प्रेमचंद्र जी। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डिजोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो ये एरिया से तो आप लोग काफ़ी लोग वाकिफ होंगे, तो हमने पास्ट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया भी था कि ये HMT की फैक्ट्री है, जहाँ पे पहले तक फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे एकदम शांति है, सन्नाटा है। और अभी कल की बात है, मैं आपको काफ़ी टाइम बता रहा था कि इस क्षेत्र में टाइगर देखा जा रहा है, और कल फिर से देखा गया है, तो वहाँ भी हम चलेंगे। और फिलहाल आपको हम बिस्टी जी से मिलाते हैं और थोड़ी बहुत वार्तालाप करते हैं, और फिर उसके बाद आपको एक इंसिडेंट जो कल ही हुआ था खटीमा में टाइगर अटैक का, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो जी अभी हम आए मैगी पॉइंट में, बिस्ट जी का मैगी पॉइंट, और ये हमारे बिस्ट जी। क्या हाल है जी? बढ़िया। और बताओ क्या चल रहा है? नया ताजा क्या चलता है? नया ताजा, ये सांप घुस गया अंदर। अब नया ताजा था, अभी तो सांप घुसा है। देखो अभी तक का खतरा था बिस्ट जी को बाघ और लेपर्ड का, कभी ये तो सोचा नहीं कि सांप के लिए तो पूरा खुला ही है, जंगल का ही एरिया वैसे तो। लेकिन ये है कि सामान वामान ना ऐसे इकट्ठा जब होंगे ना, तो भाई डर है ही। ये एरिया हुआ, पानी का हुआ, नाला हुआ ना, वैसे तो दिखा नहीं। हमने काफ़ी देर तक देखने की कोशिश करी, भाई साहब ने देखा था। भाई साहब आपने देखा सांप है? हाँ। कैसा था? बुरा था, बुरा बुरा। हाँ। ब्राउन कलर का। वैसे तो ये है ना, दिखे भी तो कुछ मत करना, वो ज़्यादातर विषैले नहीं होते हैं। और ये जहाँ तक होगा रेड स्नेक होगा, चूहा मारने वाला। बाई चांस अगर वो कोई चीज बनाते समय, चाय है ही बनाते समय, अगर उसके पूछड़ी पूछ में अगर पैर लग गया ना, फिर अगर सर में पैर लग गया, अरे काटेगा भी तो मरोगे थोड़ी यार, जहर थोड़ी है उसमें। तो क्या है फिर? जहर नहीं होता कह रहा हूँ, नहीं होता है। हाँ अब वही, ये देखो ये जंगली है ना, ये इसकी स्पीड इतनी है, ऐसा लग रहा है घोड़ा पिछाड़ का बच्चा है। अब देखो ज्यादातर अभी भी यही भावना चल रही की सारे सांपों में जहर होता है। आपको क्या लगता है, सब में जहर होता है? कोई वो जो हरा सांप होता है उसमें जहर नहीं होता, जो हरे रंग का होता है उसमें जहर उसमें होता है। पिट वाइपर उसमें होता है जहर? नहीं होता है, पिट वाइपर में होता है ना। लेकिन भाई साहब एक चीज मैं बता दूं, 100 में से ये मान के चलो कि 85-90% सांपों में जहर नहीं होता है, जिनसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक छू, देखा जाएगा, अभी मिल गया तो भी इसकी रेस्क्यू वालों को बुलाते हैं। रेस्क्यू वालों को बुलाओ, सूचना दो, कोई दिक्कत नहीं है, मारना मत बस। और बाकी यहाँ से ना कुछ दूर है, मतलब कि 100-150 मीटर जो एकदम टाइगर का एरिया है और जहाँ पे देखा गया था, और बाकी उसके आसपास के क्षेत्र में आपको दिखाएंगे पूरा फॉरेस्ट का एरिया, और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाएंगे उसके बारे में। ठीक है, और जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है खटीमा में उसके बारे में भी आपको डिस्कस करते हैं। और ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये रेस्क्यू सेंटर है, ये देखिए, ये है HMT फैक्ट्री, जो कि एकदम वीरान है, बंजर है। लेकिन फिलहाल ना अभी हाल ही में, तो फिलहाल अभी हाल ही में ना यहाँ पे एक शूटिंग भी हुई थी कोई सीरीज की, तो यहाँ पे चंकी पांडे और कुछ
नाटक वाटक में आने वाली हीरोइन आई थी, तो इसके नीचे बेस पे ही चल रही थी वो शूटिंग यहाँ पे। और अभी हम उसी क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं जहाँ पे टाइगर एक्टिव है, और वो जगह भी दिखाऊंगा जो वीडियो आई थी सामने, जिस जगह पे एकदम टाइगर देखा गया था। वैसे तो ये जगह एकदम मतलब हब है, लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट कैफे भी है, साथ में ही फॉरेस्ट भी है, ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए लोगों ने। तो अभी मैं आपको वो एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे टाइगर देखा गया था। और इससे पहले कुछ टाइम पहले जब यहाँ पे टाइगर ने घोड़े को मारा था, उस पर हमने वीडियो भी बनाई थी, जो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा इस एरिया के बारे में। और बीच में फॉरेस्ट वालों ने देखो ये नाली भी बनाई है कि कोई गाड़ी लेके अंदर ना जाए, अंदर जाके लोग पार्टी वार्टी शराब वराब भी पीते थे। तो काफ़ी ज़्यादा ये एरिया मतलब वैसे तो लोगों से गुलजार रहता है। ये इसके अंदर तो वो टाइगर ने घोड़े को मारा था कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे देखिए बल्ली वल्ली सब लगा रखी है फॉरेस्ट डिवीजन ने, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। और बाकी यहाँ भी देखिए अभी है कि कल की बात है टाइगर दिखा था, लेकिन देखते हैं आज क्या रहता है। ये एरिया देखा जो ये फूल है ना, यहीं पे टाइगर दिखा था, कल की बात है। तो जो वीडियो है वो भी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। इसके ना आगे की तरफ पानी है, तो हो सकता है कि जो टाइगर आ रहा है वो पानी की तरफ जाने के लिए आ रहा है। हालांकि यहाँ अभी प्रीवियसली देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लास्ट टाइम मैंने भी देखा था टाइगर को इस क्षेत्र में। कितना एकदम शान लगती है ना शेरों में। आप मैंने पहली बार देखा इसे। अच्छा चलेंगे ना। हाँ अब ये है कि यहाँ थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे एकदम। अब यहाँ क्या है ना, डियर वियर ज्यादा नहीं है, होने को सांबर डियर भी है, बार्किंग डियर भी है, और मुर्गे वुर्गे भी हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं है कि हम कॉल एक्सपेक्ट कर सके। टाइगर होगा होगा भी तो बिना कॉल के ही निकलेगा या फिर क्रॉस करेगा। और वो टाइग्रेस है जहाँ तक उम्मीद है, अगर वही है तो। अंदर की तरफ गए थे और मैंने इनको बोला कि कल ही टाइगर दिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है कि हैं इसी टाइम में। तो लोग अभी भी प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और ज़्यादातर पता भी नहीं चली है। तो वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे अपने थ्रू थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों तक फैलाएं और लोगों को थोड़ा सा बोलें कि क्षेत्र में खासकर पैदल ऐसे ना घूमें यार, क्योंकि अभी तक कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ है और हम चाहते कि आगे भी ना हो। कॉन्फ्लिक्ट होने से वाइल्ड लाइफ का पूरा नुकसान है, उसको फिर बेचारे को अपनी लाइफ जेल में बितानी पड़ती है बिना किसी गलती के, जबकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र भी है। अब भागे देखो कैसे भागे। यहाँ पहले आवाज हुआ करते थे HFT फैक्ट्री के, हमने प्रीवियस भी काफ़ी टाइम आपको यहाँ के ब्लॉग्स दिखाए हैं और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किए हैं। कई लोगों की मेमोरी भी है जो HMT की वॉच है उससे, और साथ में कई लोग आप में से या आपके रिलेटिव भी यहाँ काम कर चुके होंगे, है ना।
तो अभी देखो जी, अभी एकदम टाइगर का गढ़ है। और देखिए जी, यूजुअली मतलब डराने का कोई इरादा नहीं है, और डरना तो चाहिए, खैर ऐसी चीज़ भी है। हालांकि टाइगर इज़ वेरी जेंटल एनिमल, काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन होता है। हाँ जी भैया, क्या देख रहे हो? टाइगर, टाइगर देख रहे हो? टाइगर है आसपास। तो खासकर जो लोग चलते चलते यहाँ पे रुकते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा सावधानी होनी है। ये रीज़न यही है फॉरेस्ट वालों का आगाह करने का कि उसके आगे ना जाएं। प्रतिबंधित क्षेत्र भी लिखे हुए हैं बहुत सी जगह है ना। अभी हमें मिल गए हैं खत्री जी, और खत्री जी के साथ थोड़ा सा बर्ड वॉच। टाइगर रेडियो पंजे लेके आते हैं, आप देखे किसी ने? मुझे पता है यार। चलो मैं तो यार नीचे आता हूँ। तो ये आसपास गांव भी है, और नीचे वो रिवर है, तो आपको रिवर बेल्ट तक दिखाते हैं। तो भाई साहब रास्ता, कत्ते ही खतरनाक एडवेंचर हो गया भाई। और जहाँ टाइगर जाता है ना पानी पीने, वो रिवर तक दिखाएंगे हम आपको। और यहाँ लोगों से बातचीत भी करेंगे गांव वालों से। भाई क्या हाल है? बैक पे आरिज भी, क्या हाल है सर? हमारे वहाँ आज तक तीन चार दिन नहीं आई है। बड़ा हल्ला करा, बहुत बिल्कुल यहाँ पे देखा। अरे उस फूल जो HMT का वो नहीं है फूल है, जहाँ पे वो जहाँ बिल्डिंग तोड़ी है उनके। मेरे हेड से सुना आगे, खैर इनके तो पड़ोस में ही हुआ यार। इनको तो पीछे जान को पता है कहाँ पर आता है, कहाँ पे देख लग रहा हूँ मैं वो नेक्स्ट करके। हाँ तो नेक्स्ट ही हो गया, यहाँ बर्ड की भी नेस्ट है और साथ में। चलो देखिए कल मैं आऊँगा फिर। हाँ यही उसी नेक्स्ट ही होगी ना सारे ही। हाँ अगर लंगूर आ रहा होगा ना तो उसका नेक्स्ट टाइम यहाँ पे, क्योंकि वो लंगूर को वगैरह किसी को भगाती है वो। हाँ बार बार अभी थोड़ी देर पहले, अभी अब क्या पता यहीं बैठा हो। चलो मैं आऊँगा, मैं आगे देख के आ रहा हूँ। वहाँ रास्ता कहाँ से वहाँ का? ठीक है रास्ता दुकान में है भैया, है लड़का है। हाँ हाँ देख के आते हैं, दिख गए तो बात है। हाँ कल वहाँ से उतरा ना, वो जहाँ जैसे फूलने लगे हैं तो वहाँ से नीचे उतर गया पानी फिर गए। 3 बजे की बात है कल, वो नहीं आता है। अरे ये यार मैकपाई है, मैकपाई है आगे भाई, कॉमन मैकपाई ये है जी, कॉमन ग्रीन मैकपाई। वो देखो वो नीचे आ गई, क्या मस्त परचमा है ये। लेकिन लाइट अभी वो है ना, बहुत रेयर बर्ड है, डिमांडेड। तो आपने भी देखा संजू भाई? वो देख लिया, जो अभी दिखाया वो चले गए। आपने भी देखा बाघ? बाघ तो वैसे यहाँ इस बार दिखा रहे हैं, ये वाला नहीं देखा, ये वाला अभी देखा नहीं है। लेकिन वो पिछले साल तो कितने डाल दे दिए। यार तुम क्या हो रहा है?
भाई साहब यहाँ तो अंदर भी बैठा हो सकता है, ठंडा। है तो बड़ा घना एरिया है, और सुन लो ठंडा एरिया भी है, ये पेड़ है ना यहाँ पे। हाँ ठंडा, जो ठंडा कितना सो रहा है यहाँ पे, यहाँ बांस के पेड़ नहीं लगते। आप जाते रहते हो इस रास्ते से रोज? अच्छा घर की बाउंड्री है। अच्छा अच्छा पानी भी कम हो गया ना, खत्म हो गया ना। जहाँ हम जा रहे हैं बोला ना, हमारे पानी का स्रोत बहुत भयंकर है। उसी पे आ रहा है फिर बाघ भाई। ऐसा है ना, पानी तो पीना ही है उसने, लेकिन उसको अपने को गीला भी करना है पानी में, तो उसको पानी में जाना ही है। पिछले बार नदी चले गया, दो नहा रहे बाघ। क्या बात कर रहे हो, फिर आपको देखा उसने? डंडा भी पकड़ लो खतरे जी, एक आप ही हो पीछे। बाकी तो लेटरिन हो, क्या कह रहे हो? बाकी तो लेटरिन हो तुम पक्का 100%। नहीं तो गया उसके बाद का, वो ये है जी उसका मेन अड्डा। टाइगर के मेन अड्डे में आ गए अभी यहाँ। ओ ये क्या गया, कुक्कू था शायद यार। अच्छा वही वो था यार, ग्रेविड कुक्कू। इस साल मेरी हेड में आ गया, एक दिन आया उसके बाद आ गए। आपने कहा देखा था नहाते हुए? गहरे में था, ये दो घाटियों के बीच में, वहाँ से अगल बगल से है ना, तो सामने वाली जगह है, उस साइड से जा सकते हैं। लेकिन जा सकते हैं, पता करो चलो मेरे को ऊपर तलो ऊपर आओ आप, तुम्हें जहाँ से आइए इधर आओ, यहाँ पर आओ। ये भी आप ही के एरिया में आता है? अभी खेत पे ही आपका खेत हुआ है? ये बाउंड्री भी है देखो अब, लेकिन जानवर के लिए कोई किसी की बाउंड्री नहीं है, सब बोल रहा है भाई। यहाँ आप कितने टाइम बाद जा रहे होगे इस एरिया में? यहाँ पर कम से कम एक महीना हो गया, मैं नीचे को नहीं आया यहाँ, लेकिन वहाँ जहाँ गया था वहाँ आते रहते हैं अब। लेकिन थोड़ा सा ये रिस्की भी हो रहा है एरिया, कपल हैं आप? कपल हैं? ये यहीं से तो नीचे आया था कल, कार भी है भाई यहाँ बैठता भी है। ये हड्डी वड्डी दिख रही ना, हाँ
कहाँ देखा? वो नीचे बाग वहाँ वहाँ घाटी है एकदम सुनो नहीं जाना चाहिए भाई, इतना भी आगे चलो। ये तो आप, ये तो पूरी झाड़ी, इसमें तो टाइगर दिखेगा भी नहीं। किराने भी रिस्क हुआ, अगर उसने देख लिया वहां से कितना ही दूर हो रहा है। अरे टाइगर आप इतने टाइम से देख रहे हो खतरे जी, यार कुछ भी कर सकता हूँ। देखो अब ये तो पता ही चल गया, इतना तो मुझे भी आइडिया हो गया कि एकदम अटैक नहीं करता। नहीं, हम घाटी में चलेंगे, वो सोच रहा है हमको मारने के लिए आएगा ना उधर। हाँ अभी तो वो दौड़ेगा, बच्चों के साथ होगा तो फिर रिस्की है, वैसे उतना रिस्की नहीं। एक बार यहाँ दो हिरन भी आए थे वहीं से, वो रामनगर से छोटे, पता नहीं कैसे आए। नहीं हिरन तो घूमते हैं यहाँ, कभी कभी स्पॉटेड, पूरे चितकबरे वाले जो नहीं होते वो नहीं होते हैं, वो कम दिखते हैं यार, मुझे भी दिखे बीच में कम है। जोड़े में देखा मैंने, ये सामने पहाड़ में भरपूर है, वो आते गिरे गुराल। वो क्या किसी का घोंसला ही है, ये वो है तो हम तो हरंगाल का है, ये वो भयंकर इतने बड़े होते हैं जो हरंगाल, हरंगाल हाँ वो उसे भंवरे से बड़े होते हैं। ये गुराल इसलिए मतलब तुम्हारे जनवरी में, ये जनवरी 15 तारीख के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये पहाड़ भी नीचे आता होगा बरसात में, तो दरकता होगा पूरा। खतरा हुआ है यहाँ तो जाना भी नहीं चाहिए, कोई जाता है यहाँ से? जहाँ क्लब नहीं है, क्लब उससे नीचे वो कभी आप देखो। हाँ वहीं से तो पानी बहुत ठंडा। अच्छा वहाँ गहरा भी बाई चांस दो चार, अगर वहाँ पिछली बार त्रिपाठी जी रहते थे ना वहाँ नीचे, वो एच एम डी जब थी तो वहीं पर रहते थे, वो वहाँ से पानी लाते थे बहुत बहुत ठंडा। अब यहाँ स्रोत का पानी वहाँ पर सारी के देखा आपने, यहाँ से हम अभी धुआ आए यहाँ तो दुनिया में तो नहीं जाएगा वो। नहीं अभी ऊपर का तो नहीं जाएगा खैर, लेकिन आगे से थोड़ा नीचे है ना, वहाँ से क्रॉस करके भी जाता है अमृतपुर। बहुत ठंडा है यहाँ अभी, बस यहाँ जानवर बहुत ही बैठा करते हैं, यहाँ पर अजगर हो गया, ये चीज यही है बहुत। गर्मी में टाइम वहाँ लोग जाते भी डर के मारे। खैर टाइगर तो यहाँ तक भी पहुँचा है, खा रखा है उसने वहाँ पे, हड्डी वड्डी पड़ी है। तो फिर यही है फिर अभी भाई, कल ही दिखा है तो यही है वो अभी। तो जैसे ये अभी दिख रहा है ना बंगाल टाइगर, पहले भी दिखा करता था। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं आ सकता ना, इसकी पूरी फैमिली रहते ही आई हुई की भाई, इसने अपनी माँ का ही एरिया फिर से लिया होगा जो बागिन है। और जहाँ तक है इसकी मैचिंग होगी ना खतरे जी, यहाँ पर सोया हुआ देखा हमारी फैमिली, जैसे हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पर सोया हुआ था बाघ, ऐसे करके हम यहाँ से ऐसे ले जा रहे हैं, बगल में बैठा हुआ था भाई साहब। हाँ वो पिछली बार जो घर वाली वहाँ से घास काटी थी उसी देखा, उन्हें कहा हमारा बाघ सोया है करके ना, उसे कुछ करा नहीं करके सिकम चले गए। हाँ अकेले यार दादी, आप भी थोड़ा वही करना, अकेले नहीं आते हम अकेले। हाँ अब हम लोग तो बातचीत करते हुए भी जा रहे हैं ना, वो उतना वो नहीं होगा। जैसे जब से बात का आतंक नहीं हुआ है, हाँ पहले तो अकेले क्या, मैं यहाँ झाड़ी से भी वहाँ से भी गया पहले। हाँ लेपर तो देखो उसकी आदत होती है, वो छुप जाता है, लेकिन टाइगर को छुपना भी नहीं है भाई साहब। अरे जब हमने पिछले बार देखा ना, जो आदमघोर हो गया था, वो आदमी के पीछे भागा, जब जान जैसे बताई उन्हें, पूरी टीम आई, जब उसको गोली से मारी, हमारे क्लब के बगल में बता रहा हूँ कहाँ पर मारा, आप बताओ। एक ऊपर गांव में भी मारा था एक बार, ऊपर गांव में। ये आदमघोर वाली बात कब की होगी? आप कम से कम ये हो गए 10 साल लगभग, 10 से 8 साल लगभग। यहीं पे क्लब में मारा था, सामने आगे एकदम झाड़ी के बगल में।
कितने लोगों को मारा होगा उसने? अभी मारा कितने लोगों को, लेकिन वो आदमी में झपट रहा था, दो तीन लोगों को उसने अटैक कर दिया था। हाँ सुना तो था मैंने भी। हाँ तो एक और दोनों तीनों में दोनों पर झपटा, नाखून लगा दिए पूरे ऐसे। अच्छा और एक को तो खा दिया भाई जो है ना, ये तो ही है। हाँ। दिख रही हो? हाँ। वहाँ से नीचे फेंका, वहाँ से नीचे फेंक दिया इंसान को, औरत को ना। हाँ, जो औरत को मारा था। अच्छा वो हुकुम सिंह की जो वाइफ थी शायद। वो तीन दिन तक बाद वहाँ घर ही आ गया, फिर उनके घर के आगे बगल बोलने का उसके मेरा शिकार लेके घर के, वो लेपर्ड था। यहाँ आ रही ना स्मेल, देखो है। चलते बनो भाई यहाँ से। तो छुपने का तो बहुत बढ़िया जगह है वो, झाड़ी तो बहुत बढ़िया है छुपने की। इसमें क्या क्या बोल रखा है? ये काहे का पेड़ है? ये मणिपुरी बांज है। मणिपुरी बांज? क्या फायदा होने वाला है? घास का है, जानवरों के लिए। घास की गाड़ी आती है। और ये आते हैं घास गाड़ी, तो आराम से खाली है, कुकाट है, बच्चों को यहाँ को आराम से घिसना के लिए मैं घिसना कह रहा हूँ। नहीं असले नहीं आते यार वो। हाँ यार भाई तो इसकी तो जी क्या कहेंगे आप? ये हो गया जंगल इलाका एरिया का, सांपों का भी बहुत बढ़िया जगह हो गई। पाइथन सब मिलेगा, मिक्स यार शाम नहीं दिखे। हाँ अब आ रही गर्मी। अरे जितना अच्छा है सामने जितना बढ़िया। अभी साफ खींच के आया था उनकी दुकान से। तो जे देखो जी महिलाओं की मेहनत, जो इनकी वाइफ है वो पेड़ पे ऊपर चढ़ी हुई है जी। बाकी आप लोग भी आ सकते हैं ये मैगी पॉइंट में, और बहुत बढ़िया है, शांत तो एकदम ठंडी जगह है। तो ये है जी संजू भाई मैगी पॉइंट। तो जी बाकी ये है कि आप लोग कह रहे होंगे कि और लोगों को बोलते हैं यहाँ रुको मत, और खुद ही ऐसे कर रहे हैं। देखिए हमारा जाना क्या है कि हम तीन लोग गए हैं, सोच समझ के गए हैं और जगह को पूरा स्कैन करते हुए गए, बातें करते हुए गए हैं। और जो लोगों को हमने बोला कि आप यहाँ पे मत रुकिए, अंदर जो गए थे लड़कियाँ थी उनको उस बारे में पता ही नहीं था। हमारा जाने में और उनके जाने में क्या डिफरेंट है? तो पता भी है ना उस बारे में कैसे चलना है, कैसे चलना है, सेफली चलना है। हाँ। अब वो तो मस्ती कर रहे हैं वहाँ, अब पर वो मस्ती में वो अनजान है उस चीज़ से। तो पता भी नहीं है कि वहाँ पे बाघ है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहता है। बाकी देखिए तो जी अब इस जगह से तो हम जा रहे हैं, और ये तो जी और अभी हम बात कर रहे हैं खटीमा में टाइगर अटैक की। तो सुबह की बात है, प्रेमचंद्र जी जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, चकरपुर रेंज खटीमा से वो अपने घर से होटल के लिए निकले थे सुबह के टाइम 7 बजे तकरीबन, साइकिल में थे। तो चकरपुर रेंज में टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया, और उसके बाद जब होटल में नहीं पहुंचे तो जो वहां के ओनर थे उन्होंने पता वता करने को बोला घर पे, और उनका पता नहीं चल पाया। और बाद में जब वन कर्मियों को सूचित किया गया, जब लगा कि कहीं ये किसी जानवर का हमला तो नहीं है, थोड़ा सा गाड़ियाँ बहुत चल रही है तो उससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब वन कर्मी आए ना ढूंढने के लिए, तो 50 मीटर दूर झाड़ियों में उनका शव बरामद हुआ, शव मिला, जो कि मतलब काफ़ी दुखदपूर्ण है। और भगवान प्रेमचंद्र जी को अपने चरणों में जगह दे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो अभी कंटिन्यू वहाँ पे काफ़ी टाइगर अटैक देखे जा रहे हैं सुरई की रेंज में एंड खटीमा में तो लगा हुआ है, खासकर इस चकरपुर रेंज में। ये
टाइगर का एरिया जो हम बता रहे थे आपको कि HMT फैक्ट्री के समीप दिखा है। पहले यहाँ बिल्डिंग हुआ करती थी HMT परिसर की, इसको तोड़ के फॉरेस्ट वालों ने अपने लिए ये जगह ले ली है। हालांकि ये टाइगर का कॉरिडोर स्टार्टिंग से रहा है बताया जाता है, क्योंकि इससे सटा हुआ हमारा तराई का पूरा फॉरेस्ट है। तो ये भी तराई है, सामने आप देख रहे हैं शिवालिक के पहाड़ हैं। और जो ये टाइगर का अटैक था ना, जो ये प्रेमचंद्र जी में किया था, काफ़ी उम्र दराज थे, साइकिल में देखिए मतलब अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे। और जो उन पे अटैक किया था उसके बाद जब वन कर्मी पहुंचे ना वहाँ, तो जो उनका शव है वो बरामद हुआ। और जब वो ले जा रहे थे ना तो टाइगर दोबारा दिख गया, क्योंकि टाइगर क्या होता है ना, जो उसने प्रे किया होता है, जिसको हंट किया होता है, इंसान हो या जानवर हो, वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता है। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही कि उसने अपना द्वारा मारा गया हुआ शिकार समझ के फॉरेस्ट विभाग के सामने आ गया और चुनौती बन गया था। और कम से कम काफ़ी देर मशक्क़त करनी पड़ी। उसके बाद कहीं जाके जब दो राउंड फायरिंग करी फॉरेस्ट की ये टीम ने, उसके बाद टाइगर ने उनको फॉरेस्ट वालों को जाने दिया और अपना जंगल की तरफ घुस गया। तो देखिए सामने मून भी बहुत प्यारा दिख रहा है। तो जी जंगल के समीप, खासकर जो जंगल से सटे हुए रास्ते होते हैं और अकेले अगर जा रहे होते हैं तो आप लोगों को संभल के तो रहना ही चाहिए। यह हादसा वैसे तो दुखद है और इसमें वन विभाग का भी बयान आया है कि मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और आगे का जो खतरा है उसको टाला या रोका जाएगा। अभी क्या किया, अभी हम कंटिन्यू सफारी कर रहे थे क्योंकि सीजन भी क्लोज हो रहा था। और जो हम आपके साथ विलेज रिलेटेड वीडियो लेके आते थे, जिसको आप बहुत पसंद करते थे, वो लेके नहीं आ पा रहे हैं काफ़ी टाइम से। लेकिन अब सीजन सफारी का समाप्ति की तरफ है और हम कोशिश करेंगे आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर वीडियो लेके आए, जो आप लोग पसंद करते हैं, है ना। और बाकी अभी हम पीलीभीत गए थे तो उसका भी ब्लॉग आएगा जल्दी, उसमें भी बहुत अच्छी सेटिंग हुई थी। और वहाँ भी हमने ना यार ऐसी जगह पे लोगों को साइकिल जाते हुए देखा ना, जो कोर टाइगर एरिया जहाँ हमें बहुत टाइगर दिखे हैं पास्ट में, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ठीक है, आप बहुत लोग मतलब पूरी वीडियो देखते हैं, खास लोग बोल रहा हूँ, खास मतलब सभी खास हैं आप लोग, लेकिन जो रेगुलर देखते हैं वो कमेंट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो 50% सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हम भी अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे, है ना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। और भाई इसके अंदर कोई घुस गया है यार, अरे यार टाइगर क्रॉस होता है भाई, टाइगर क्रॉस 10 साल हो गए यार। अरे कल ही दिखाया, पता तो होगा।